वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मेंसुरेशन में रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिर्फ यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर का एरिया का फार्मूला और रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो टाइप वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर में हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन के न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज 3000 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपका कोर्ट यार्ड है और रेक्टेंगुलर है, उसका एरिया कितना है? एरिया ए इज इक्वल टू 3000 मीटर स्क्वायर। इट्स साइड्स आर इन द रेशियो। देखिए यहाँ पे हमें रेशियो दिया है, साइड का रेशियो दिया है, साइड रेशियो 6:5। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ कोर्ट यार्ड। यहाँ पे आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर पी। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड। तो यहाँ पे आपका जो डायमेंशन है इसे कहते हैं हम लोग लेंथ। दिस विल बी द लेंथ, दिस विल बी द ब्रिथ। तो आपका लेंथ कितना है? 6। रेशियो दिया है 6:5। लेंथ है आपका 6, ब्रिथ है आपका 5। तो यहाँ पे हमें कुछ तो स्टैंडर्ड मेजर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रेशियो दिया है। तो एक्चुअल में लेंथ नहीं दिया है, कितना लेंथ है और कितना ब्रिथ है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ फॉर रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, एज्यूम एक्स इज द स्टैंडर्ड मेजर। यहाँ पर x एज्यूम करता हूँ तो 6x × 5x। तो आपका रेशियो क्या हुआ? 6x × 5x। तो x का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हमें लेंथ का वैल्यू मिलेगा, देन हमें ब्रिथ का वैल्यू मिलेगा। तो फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन एरिया, एरिया a इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रिथ। अब एरिया कितना है? 3000। लेंथ आपका 6x, ब्रिथ आपका 5x। 3000 इज इक्वल टू 6 × 5 30, x × x एक्स स्क्वायर। तो 3000 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 30 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। तो देखिए एक्स का आपका वैल्यू कितना आएगा? 3000 डिवाइड बाय 30 100, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ रहा है। तो दोनों को अंडर रूट में लेंगे तो स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। तो अंडर रूट 100 का वैल्यू कितना आएगा? एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर। देखिए एरिया का वैल्यू क्या है, एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो आपका एक्स कितने होगा? 10 मीटर। देन यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेंथ एल इज इक्वल टू 6x, मतलब 6 × 10 60 मीटर। ब्रिथ, ब्रिथ बी इज इक्वल टू 5x, 5 × 10 50 मीटर, 5 × 10 50 मीटर। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, पेरीमीटर, पेरीमीटर P इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ऐसे डायरेक्टली सम भी कर सकते हैं, 6x + 5x, 6x + 5x। तो कितना आपका वैल्यू? 60 + 50, 60 + 50। सभी के एडिशन करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो फार्मूला भी लिख के भी कर सकते हैं, 2 × लेंथ + ब्रिथ। 2 × आपका लेंथ का वैल्यू कितना है? लेंथ है आपका 60 + 50। तो 60 + 50 आपका हो जाएगा 110 होगा 220 मीटर। तो आपका पेरीमीटर का आंसर कितना है? 2220 मीटर, 220 मीटर। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको एडमिशन रिलेटेड और एग्जाम रिलेटेड अपडेट चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है
महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी, उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको MSBT का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन, रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, वहाँ पे कुछ लाइव सेशन भी होंगे आपके डाउट क्लियरिंग के लिए, तब अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, उसे डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देन क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। तो देखिए यहाँ पे एडजेसेंट साइड मैं एक्स एज्यूम करता हूँ, देन लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस, तो इसका कितना होगा 2x होगा, ट्वाइस है एडजेसेंट साइड से, कितना ट्वाइस है, जाकर 10 है तो कितना होगा 20 है। ऑब्वियसली लेंथ आपका बड़ा होता है, ब्रेथ छोटा होता है। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड से कितना है ट्वाइस है। देन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर, पी का वैल्यू 60 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया, यहाँ पे हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए लेंथ इंटू ब्रिथ, मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें लेंथ का वैल्यू मिलेगा, देन ब्रिथ का वैल्यू मिलेगा। तो फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर रेक्टेंगुलर फिगर, पेरीमीटर पी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम, तो सम भी कर डायरेक्टली कर सकते हैं, 2x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, ये साइड आपका कितना होगा 2x, ये कितना होगा x, तो 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स, ये 2x, ये आपका x, तो पेरीमीटर का वैल्यू 60 सेंटीमीटर, 2x प्लस एक्स 3x, 3x प्लस 2x 5x, 5x प्लस x 6x, आपका x का वैल्यू आ रहा है 60 / 6, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। तो x का आपका वैल्यू कितना आया 10 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेंथ l इज इक्वल टू क्या 2x, 2 इंटू 10 कितना होगा 20 सेंटीमीटर, देन ब्रिथ, ब्रिथ b इज इक्वल टू x, का ब्रिथ कितना है x, x का वैल्यू अब कितना है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रिथ, आपका लेंथ है 20, ब्रिथ है 10, 20 × 10 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका एरिया का आंसर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, सिर्फ यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करना है और आपको आंसर सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।